हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यू ट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और ये है हमारा टैब S7 जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। मैंने इसको अभी कुछ दिन यूज किया और इसकी सारी टेस्टिंग कर ली है, एक एक चीज को टेस्ट कर लिया है। अब आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सब कुछ इस टैबलेट के बारे में कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीडियो को करते हैं फटाफट से स्टार्ट और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सबसे इंप्रेसिव चीज के बारे में जो मुझे एक्चुअल में काफी पसंद आई है, जो कि है इसकी परफॉर्मेंस। इस डिवाइस के अंदर हमें मिलता है सबसे पावरफुल प्रोसेसर जो कि है हमारा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस का, और लिटरली आपको परफॉर्मेंस जो है वो एकदम धांसू वाली मिलती है, मतलब बहुत ही पावरफुल। आप इसके अंदर कोई भी काम करें, आपको इसमें हैवी गेम्स खेलनी हो, आपको इसमें एडिटिंग करनी हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो, रेंडरिंग करनी हो, सारा काम आपका बहुत ही स्मूथली हो जाता है। उसके साथ आपको इसमें UFS 3 की स्टोरेज मिलती है और एंटूटू स्कोर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 5,76,000 स्कोर आया है। इसके साथ अगर हम इसका रीड राइट स्पीड को चेक करें तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये भी टेस्ट रन किया है और हमारी रीड स्पीड आई है 1500 MBPS के पास और हमारी राइट स्पीड आई है 650+। मतलब ये स्पीड देखी जाए तो टेक इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ही फास्ट मानी जाती है। तो आपको इस डिवाइस के अंदर, इस टैबलेट के अंदर एकदम तगड़ी वाली परफॉर्मेंस मिल रही है और ये आपके लैपटॉप को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा। इसके लिए आपके इस टैबलेट के अंदर आपको मिल जाता है सैमसंग डेक्स का फीचर, जो कि आप यहां से जाके ऑन कर सकते हैं और इसको ऑन करते ही आपका जो ये टैबलेट है ये आपका पूरा आपको पीसी एक्सपीरियंस देगा, जिसके अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मतलब वर्क फ्रॉम होम की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए तो बढ़िया आपको इसके अंदर परफॉर्मेंस मिलेगी। आप इसके अंदर मल्टी एप्स को एक साथ यूज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं एक साथ दो तीन चीजों पे काम करना काफी आसान है। और उसके साथ आप अगर अपने ऑफिस का कोई काम करते हैं, जैसे कि एक्सेल शीट पे वर्क करते हैं या फिर हैवी वर्ड फाइल्स पे वर्क करते हैं या फिर प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करते हैं, वो सारा काम करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सारी चीजें एकदम स्मूथली होगी बिना किसी लैगिंग के। मतलब रैम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो इस टैबलेट की हमारी बहुत ही सॉलिड है। इसके साथ आगे अगर हम बात करें गेमिंग की तो गेमिंग एक्सपीरियंस को ये टैबलेट हमारा नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। मैंने इस टैबलेट का 1 आवर गेमिंग टेस्ट किया था जिसके अंदर मैंने स्पॉल्ट 9 जैसी जो हमारी हेवी गेम्स होती हैं उनको हाई सेटिंग्स पे खेला था और मुझे इसके अंदर परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल टॉप नॉच मिली, कोई भी दिक्कत नहीं आई गेम खेलने में और उसके साथ आपको कोई भी मेजर हीटिंग इशू इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। साथ ही इसके अंदर हमें मिल जाता है 120 हर्ट्ज का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट, जो कि एक्चुअल में आपको बहुत ही स्मूथ ग्राफिक्स और स्मूथ एनिमेशंस देता है। मतलब वैसे ही आपको स्क्रॉलिंग करनी हो, आपको बहुत सारे एप्स के बीच में टर्न करना हो, कुछ भी काम करना हो या फिर आप कोई कार रेसिंग वाली गेम खेलते हैं जिसके अंदर एक्चुअल में ग्राफिक्स हमारे जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, तो उनमें तो आपको एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस टैबलेट के अंदर। इसके साथ ये जो हमारा 11 इंच का डिस्प्ले है ये और गेमिंग में आपका मजे को बढ़ा देगा। मतलब एक्चुअल में बड़ा डिस्प्ले है, गेम खेलने में वैसे ही आपको और मजा आएगा ही। और उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेम में आपको कलर्स बहुत ही ब्राइट मिल रहे हैं, अच्छी ब्राइटनेस मिल रही है। और वैसे अगर हम इसका एक ब्राइटनेस टेस्ट भी करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्राइटनेस को कर दिया है 100% पे और मीटर पे इसको रखा है, पकड़ना पड़ रहा है, काफी बड़ी है। लेकिन हमारी जो रीडिंग आई है वो आई है 314, जो कि एक्चुअल में अगर हम देखें तो टैबलेट्स के हिसाब से हमें काफी अच्छी ब्राइटनेस इसमें मिल रही है। और इसके साथ आपको व्यूइंग एंगल्स भी इस टैबलेट के अंदर काफी अच्छे मिल जाते हैं। मतलब देखा जाए तो हमारा LTPS पैनल है लेकिन आपको कलर्स, ब्राइटनेस और व्यूइंग एंगल्स सारे बढ़िया मिल रहे हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने अभी जैसे यूज किया था तो यूट्यूब पे मैंने अपना हाई एंड कंटेंट को देखा था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप आराम से वीडियोस देख सकते हैं इस टैबलेट में। और इसके साथ नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम पे भी आप HD कंटेंट पे देख सकते हैं अपनी वीडियोस को। इसके साथ
हम चाहे मूवीज की बात करें, चाहे हम गेम्स की बात करें, डिस्प्ले आपको अच्छा चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, लेकिन एक तीसरी चीज बहुत ही जरूरी होती है एक्सपीरियंस को अच्छे से इंजॉय करने के लिए, जो कि होता है हमारा ऑडियो आउटपुट। और ये जो हमारा टैबलेट है इसके अंदर आपको तगड़ा ऑडियो आउटपुट मिलेगा। मतलब सबसे पहले तो हमें क्वाड स्पीकर्स मिलते हैं जो कि ट्यून्ड बाय AKG है। आपको जो सराउंड साउंड मिल रही है वो बहुत ही अच्छी मिलती है। आप कोई भी इसके अंदर मूवी लगाएं, गेम लगाएं, मतलब गेम खेल रहे हो और आपने इसको पकड़ा हो या फिर कहीं पे भी रखा हुआ है और आप आराम से देख रहे हैं, आपको गेम के अंदर 3D साउंड इफेक्ट्स भी मिलेंगे और जो सराउंड साउंड मिल रही है उसके अंदर आप अपने म्यूजिक को, अपनी मूवीज के डायलॉग्स को क्लियरली सुन सकते हैं और बढ़िया म्यूजिक आपको मिलेगा। एक ऑडियो टेस्ट हम इसके अंदर करके देख लेते हैं कि मीटर में रीडिंग कितनी आती है। सो यहाँ पे मैंने एक म्यूजिक फाइल लगाई है, फुल 100% पे है हमारे टैबलेट की वॉल्यूम। और ये आप देख सकते हैं 103 हमारी रीडिंग आई है। मतलब एक्चुअल में अगर हम देखें तो 9900 जो होती है रीडिंग वो हमारी एवरेज होती है। उस हिसाब से आपको इसमें एवरेज से बहुत ही ऊपर साउंड मिल रही है और बढ़िया म्यूजिक मिल रहा है। अब जैसे कि मैं इस टैबलेट को कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ, तो मैंने इसके साथ यूज किए थे अपने ये सैमसंग के लेटेस्ट गैलेक्सी बड लाइव, और इनके साथ एक्चुअल में जो हमें साउंड इफेक्ट मिल रहा है वो काफी अच्छा मिल रहा है। मतलब म्यूजिक में तो मजा ही आ गया था। उसके बाद कॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो कॉलिंग में भी हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी काफी सॉलिड मिल रही है। मतलब 2 रूम तक आप आराम से घूम सकते हो, आपकी बिल्कुल भी कनेक्टिविटी लूज नहीं होगी, म्यूजिक आपको बढ़िया मिलेगा, कॉलिंग में भी आपको आवाज एकदम क्लियर आएगी। और उसके साथ इस टैबलेट के अंदर मुझे बिल्कुल भी कोई नेटवर्क इश्यू देखने को नहीं मिला। मतलब मैं NCR में हूँ और बेसमेंट में भी मैं अगर इसको लेके गई हूँ तो बिल्कुल भी हमारी कॉल नहीं कट रही थी। सो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑडियो आउटपुट आपको सॉलिड वाला मिलता है और कॉल कनेक्टिविटी भी अच्छी मिल जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इस टैबलेट की बैटरी के बारे में, बैटरी एक्चुअल में अगर हम देखें तो किसी भी डिवाइस का हार्ट होता है। मतलब बैटरी होगी तभी तो आप यूज करेंगे, और इसके अंदर हमें मिल जाती है 8000 mAh की बड़ी बैटरी। मैंने इस टैबलेट का कंप्लीट रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था, जिसमें पूरा दिन उसको हैवीली यूज किया था। मतलब पूरा दिन इसमें कुछ ना कुछ चल रहा था, कभी मूवीज चल रही थी, यूट्यूब देख रही थी, मैं सब कुछ देख रही थी। डिटेल में उस वीडियो को आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मेरी पूरी हैवी यूजेज में रात को 1 बजे के आसपास जब मैंने इसके ड्रेन टेस्ट को खत्म किया तो इसमें मेरी 30% के आसपास की बैटरी थी। सो मतलब मुझे तो इसका बैटरी बैकअप काफी तगड़ा लगा। हैवीली यूज करने में भी ये आपका पूरा दिन आराम से निकाल देगा, खत्म नहीं होगा। इसके साथ अगर हम चार्जिंग की बात करें तो बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है 15 वॉट का फास्ट चार्जर। वैसे तो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है ये, लेकिन 15 वॉट का जो हमें फास्ट चार्जर मिलता है उसका मैंने चार्जिंग टेस्ट किया था और 2 घंटे 30 मिनट में 8000 mAh की जो ये हमारी बैटरी है ये 0 to 100% फुल चार्ज हो गई। उसके अंदर हमें हीटिंग इश्यू भी देखने को नहीं मिला। वैसे जो हमारी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग है उसका भी मैं टेस्ट कर दूंगी और वो वीडियो भी आपको मेरा TNG चार्जिंग चैनल पे मिल जाएगा। अब इसके बाद जो अगला मेरा फेवरेट फीचर आता है टैबलेट में वो है हमारा एस पेन का। ये रहा हमारा एस पेन, जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। इससे आपकी डे टू डे लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। मतलब चाहे हम वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, चाहे जो लॉकडाउन में लोग घर पे बैठे हैं बोर हो रहे हैं उनकी बात हो रही है, या फिर वैसे ही नॉर्मली यूज करने की बात हो रही है एज अ रिमोट, मतलब इससे आपकी डे टू डे लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। आपको कुछ नोट्स बनाने हैं, फटाफट से आप इसके अंदर सारे नोट्स लिख सकते हैं। और एक और जो नया फीचर ऐड हुआ है ऑडियो नोट्स का, वो तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। इसके साथ आप अपने हैंड रिटन नोट्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस डिवाइस के अंदर पूरा पेपर पेन वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही आपको कुछ ट्रांसलेट करना हो या फिर अपने लाइव मैसेजेस लिखने हो अपने लव वंस के लिए, या फिर अगर आपको अपने पिक्स को एडिट करना हो या फिर कुछ स्मार्ट सिलेक्ट करना हो, ये सारी चीजें तो आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एयर जेस्चर्स के बारे में तो वो भी हमारी लाइफ को बहुत इजी कर देते हैं। मतलब एप्स जैसे कि गैलरी हो गई, आपका कैमरा हो गया, उनको तो आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं तो अपने एस पेन की मदद से ही पॉज कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, सारे काम आसान है। साथ ही अगर आप
काम कर रहे हैं, अपने प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है, इससे जल्दी हो जाएगा आपका सारा काम और प्रेजेंटेशन देते समय ये आपका एज अ कंट्रोलर भी वर्क करेगा। सो बहुत सारी चीजें कर सकता है एस पेन हमारा, जो कि आपकी लाइफ को बहुत ईजी कर देगा। अब इसके साथ अगर हम इस टैबलेट की कैमरा क्वालिटी की बात करें, मतलब सबसे पहले तो बैक कैमरा इतना कोई यूज़ नहीं करता कि बाहर जाके फोटोग्राफ्स खींचे, लेकिन मैंने इसके फ्रंट एंड बैक से दोनों से बहुत सारे इंडोर आउटडोर पिक्स भी ली हैं और वीडियो भी ली है, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में कैमरा क्वालिटी हमारी कैसी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे बैक कैमरा के कुछ सैम्पल्स। हमें मिलता है 13+5 का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 8 का हमारा सेल्फी कैमरा। कैमरा देखा जाए तो एक्चुअल में टैबलेट्स के हिसाब से हमारा काफी सही है, आपको डिटेलिंग जो है वो अच्छी मिल जाती है, डे लाइट पिक्स की भी अगर हम बात करें, और उसके साथ आपको एक्चुअल में हमारा प्रोसेसर अच्छा है तो आपको इमेज प्रोसेसिंग काफी सही मिल रही है। वाइड एंगल में भी आप अपनी पिक्स ले सकते हैं और बुके मोड के अंदर भी आपको एज डिटेक्शन अच्छा मिल जाता है अच्छे बैकग्राउंड ब्लरिंग के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कलर्स बहुत ही नेचुरल मिल रहे हैं, एक्सपोजर को अच्छे से मेंटेन कर रहा है इसका कैमरा। इवन सेल्फी कैमरा के पिक्स भी आप देख सकते हैं हमारे अच्छे कलर्स मिल रहे हैं, डिटेलिंग अच्छी मिल रही है और बुके मोड में भी आपकी पिक्स अच्छी आएंगी। इसके साथ बैक कैमरा के वीडियोग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन हमें ओके मिलता है, वैसे आपको कलर कंट्रास्ट काफी अच्छा मिल जाता है और फोकसिंग भी हमारे कैमरा की काफी सही है। सेल्फी कैमरे का वीडियो भी आप देख सकते हैं हमारे स्किन टोन को अच्छे से मेंटेन कर रहा है, एक्सपोजर को भी अच्छे से मेंटेन कर रहा है, तो ओवरऑल इसके कैमरास मुझे काफी सही लगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यूनिमेटल बॉडी मिलती है जो कि काफी सॉलिड लगेगी आपको हाथ में होल्ड करने में। बैक साइड में जो मैट लाइक फिनिश है उसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं, और जैसे कि मैं यूज कर रही थी इसको काफी दिनों से, तो मैंने इसको बिना कवर के भी यूज किया था, और मैं एक्चुअली मैं कहीं पे भी रख देती हूँ, कोई ऐसे ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ चीजों पे, लेकिन इसके ऊपर हमारे बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं मैट फिनिश होने की वजह से बहुत ही और प्रोफेशनल लुक दे रहा है, मतलब आप अगर आगे जाके ऑफिस में भी इसको कैरी करते हैं या अपने कॉलेजेस में कैरी करते हैं तो काफी सोबर और बढ़िया लुक आएगी इसकी। सो अगर आपको एक प्रीमियम टैबलेट लेना है तो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं जल्द वापस आऊंगी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।